हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग। तो आप जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा सेकंड लेक्चर, ठीक है। सेकंड लेक्चर किसका है? ये हमारे जेनेटिक्स का सेकंड लेक्चर, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी, जस्ट अ मिनट, लेट मी करेक्ट दिस। ओके, सो आप जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारा ये सेकंड लेक्चर, ठीक है। सेकंड लेक्चर किसका है? ये सेकंड लेक्चर है हमारे जेनेटिक्स का। ओके, सो हमने ऑलरेडी काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर, तो आई होप आपने सारा कुछ रिवाइज किया होगा, सारी चीजें अच्छे से समझी होंगी। वन मोर सजेशन, मैं जैसे जैसे चीजें आपको बताती जा रही हूँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया था, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बताया था, सभी के रेशियोज बताए थे F1 जनरेशन में, मतलब फर्स्ट जनरेशन में, और फिर मैंने आपको रेशियोज बताए थे आपके सेकेंड जनरेशन में। तो आपको करना क्या है कि हर एक टॉपिक का आपको रेशियोज निकालते जाना है, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि आपके नीट एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने ये चीज डिस्कस की थी, जस्ट अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ लास्ट क्लास, हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। तो हमने बात की थी अबाउट द हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, दैट वाज मेंडल, ठीक है। तो मेंडल जो थे वो एक प्रीस्ट थे चर्च में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और उन्होंने रिसर्च किया था ऑन पी प्लांट, और साइंटिफिक नेम उसका क्या होता है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। क्या क्या रीजंस थे कि शुरुआत में मेंडल का काम एक्सेप्ट नहीं हुआ था, पब्लिश नहीं हुआ था, वो भी डिस्कस किया था। और बाद में 16 साल बाद, उनके डेथ के 16 साल बाद, ग्रुप ऑफ थ्री साइंटिस्ट ने उनके वर्क को रिवाइव किया था, और क्या कारण थे कि मेंडल के काम को इतनी सराहना मिली थी, इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला था, इतना ज्यादा सक्सेस मिला था, उसके रीजंस भी हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद इफ यू रिमेम्बर, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी रिलिवेंट टू जेनेटिक्स डिस्कस किए थे। उसके बाद इफ यू रिमेम्बर, याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। वी आर ऑन द वर्ज, बस हम अब कंप्लीट करने वाले हैं आपका सिलेबस, 4-5 क्लासेस में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू, जितने लेक्चर्स हैं प्लीज काइंडली पढ़ें, नीट भी बहुत नजदीक आ गया है। फिर लास्ट में याद करिए, तो हमने बात की थी कि मेंडल ने जो जो रूल्स दिए थे उससे कुछ डेविएशंस भी हमें देखने को मिले थे, तो वो डेविएशंस क्या थे, और स्पेसिफिकली उन डेविएशंस की वजह से, उनके एग्जाम्पल्स क्या थे, उन डेविएशंस की वजह से जो मेंडल ने रेशियोज दिए थे उसमें क्या क्या चेंजेस, उन रेशियोज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे, क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिले थे, वो सारा कुछ हमने कर लिया था। मैंने आपको बोला था कि अभी कुछ और डेविएशंस रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले जो और बचे हुए डेविएशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम कुछ डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उन डेविएशंस के साथ, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास का जो पहला डेविएशन है ऑफ योर मेंडल्स लॉ, तीन जो लॉस थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो क्या है, उन सारी चीजों को अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला डेविएशन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है आपके सामने, ध्यान से अगर देख रहे होंगे स्क्रीन की ओर, तो आपको दिख रहा होगा कि स्लाइड में मैंने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर दूं,
ठीक है, तो क्या है समझते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट, ईच जीनोटिपिक क्लास मे नॉट ऑलवेज डिक्टेट अ यूनिक फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या था? फिनोटाइप वॉज द फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल नेचर। ठीक है, तो एक टाइप का, एक प्रकार का जेनेटिक मेकअप जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइप के फिजिकल अपियरेंस को या कैरेक्टर को कंट्रोल करे या डिक्टेट करे। ठीक है, तो होता क्या है, अ पेयर ऑफ जीन्स कैन ऑफन वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ स्पेसिफिक फिनोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पे अ पेयर ऑफ जीन्स कर क्या रहे हैं, यहाँ पे दो जीन्स साथ मिलके एक स्पेसिफिक टाइप का फिजिकल कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री याद करिए, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए किसी भी होटल में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुकिंग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि बुकिंग के साथ साथ बहुत सारे होटल्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है। ठीक है, तो वो बुकिंग के साथ जुड़ा हुआ एक और चीज जो फ्री में आपको मिल रही है, यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। दो जीन्स जो है वो साथ में टोटालिटी में वर्क कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक टाइप का फिनोटाइप बना रहे हैं, फिजिकल कैरेक्टर को यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी हमने लिखा है यहाँ पे, विद दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन वी सी टू डिफरेंट फिनोटाइप्स इंस्टेड ऑफ फोर सीन इन टू जीन्स वन फिनोटाइप। जैसा दिखना चाहिए नॉर्मली जो मेंडल ने बताया था, या तो फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ प्लांट, एक या तो टॉल होगा या तो एक ड्वार्फ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही प्रकार का फिजिकल नेचर रिप्रेजेंट होता है, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, टू और मोर जीनोटिपिक क्लासेस मे डिस्प्ले एन आइडेंटिकल फिनोटाइप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे अलग ही नेचर शो करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के केस में क्या होता है कि दो या एक प्रकार का जीनोटिपिक क्लास जो है वो डिस्प्ले करता है स्पेसिफिक सिमिलर टाइप, आइडेंटिकल टाइप का फिनोटाइप या फिजिकल ट्रेट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स इसको और बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो टू लाइन्स ऑफ प्योर ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर्ड पी प्लांट्स फॉलिंग इन टू डिफरेंट जीनोटिपिक क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि दो प्रकार के, ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार के जीन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। ठीक है, वो इन्वॉल्व होके, ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के जीनोटिपिक क्लासेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको समझिए, ये वाला जो है आपका जीनोटाइप, यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म में कौन सा जीन है, ए, कैपिटल ए, और दूसरे वाले में डोमिनेंट फॉर्म में कौन सा जीन है, कैपिटल बी। ठीक है, लेकिन दोनों ही जो हैं वो स्पेसिफिकली एक ही टाइप का नेचर जो है शो करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक बंदिश है, रुकावट है, कि दोनों में ही द मस्ट हैव अ डोमिनेंट एलील इन ऑफ बोथ जीन्स टू रिजल्ट इन द पर्पल कलर्ड फ्लावर। दोनों में से कोई सा भी अगर एक सिंगली डोमिनेंट फॉर्म में एक जीनोटाइप में प्रेजेंट होगा तो किस कलर का फ्लावर होगा, व्हाइट कलर्ड फ्लावर होगा। ठीक है, पर्पल कलर्ड फ्लावर कब देखने को मिलेगा? ठीक है, पर्पल कलर्ड फ्लावर बस तभी देखने को मिलेगा जब दोनों ही जो एलील्स हैं, ए एंड बी, दोनों ही जब डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तो आपको पर्पल कलर्ड फ्लावर देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, पर्पल कलर्ड फ्लावर फिनोटाइप बनाने के लिए। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। किसी को कोई भी दिक्कत है, तुरंत जल्दी से लाइव चैट चैट में अपने क्वेश्चंस रेज करिए। ठीक है, दोनों को ही डोमिनेंट फॉर्म में होना होगा पर्पल कलर्ड फ्लावर का फिनोटाइप रिप्रेजेंट करने के लिए, और दोनों में से अगर कोई भी ए और बी,
कोई भी अगर एक ही हुआ डोमिनेंट फॉर्म में तो आपको किस कलर के फ्लावर्स मिलेंगे? व्हाइट कलर्ड फ्लावर। दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ तालमेल में काम करना होगा तभी आपको पर्पल कलर्ड फ्लावर्स मिलेंगे। अगर दोनों में से कोई भी डोमिनेंट फॉर्म में नहीं हुआ तो दोनों क्या फ्लावर बनाएंगे? कलर व्हाइट कलर। ठीक है, सो आई होप कॉम्प्लीमेंट्री जीन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट डेविएशन पे। ठीक है, नेक्स्ट है कोलैबोरेटर जीन। ठीक है, कोलैबोरेटर जीन क्या होता है? दिस इज वेयर वन कैरेक्टरिस्टिक इज कंट्रोल्ड बाय टू और मोर पेयर्स ऑफ एलील्स। एक कैरेक्टरिस्टिक को एक या उससे ज्यादा, मतलब दो प्रकार के पेयर ऑफ एलील्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो दोनों जीन्स हैं वो साथ में इंटरैक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस अ नोवेल फिनोटाइप। ठीक है, होगा क्या इसमें कि सब अपना अपना नेचर अलग अलग डोमिनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो एक नया अलग प्रकार का ही आपको फिनोटाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है ये, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछा भी जाता है। काइंडली कीप दिस इन माइंड। तो वो क्या है? तो वो है आपका कोम्ब शेप इन चिकन्स। कोम्ब क्या होता है? सर के ऊपर जो एक वायर, मतलब एक उठा हुआ पार्ट होता है, दैट इज कोम्ब ऑफ चिकन्स। ठीक है, तो उसका शेप जो है वो चार प्रकार का हो सकता है, सिंगल, पी, वॉलट एंड रोज। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपका F2 जेनरेशन का रेशियो था डाईहाइब्रिड क्रॉस का, वो 9:3:3:1 था, वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कैसे? इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे दो जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है, एक पी और एक आर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें अगर आर सेकेंड वाला जो जीन है अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा और पहला वाला जीन जो है वो भी डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो वो कैसा शेप देंगे? वो शेप देंगे वॉलनट शेप। ठीक है, सेकेंड वाला जो कैरेक्टर है इसमें अगर फर्स्ट वाला जीन जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा और दूसरा वाला रिसेसिव फॉर्म में होगा तो वो क्या शेप देंगे? पी शेप। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें क्या हो रहा है कि जो सेकेंड वाला जीन है वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा और फर्स्ट वाला जीन जो है वो रिसेसिव फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या शेप मिलेगा? रोज शेप। ठीक है, और अगर दोनों ही जीन जो है वो कंप्लीटली रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो वो क्या शेप देंगे? सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पे यही रेशियो मिल रहा है, तो 9 क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोथ द जीन्स इन डोमिनेंट फॉर्म। ठीक है, दोनों ही जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में, डी लिखा मतलब वो डोमिनेंट है। जो दूसरा वाला 3 है इसमें फर्स्ट जीन जो है वो होगा डोमिनेंट फॉर्म में, सेकेंड वाला जो 3 है उसमें सेकेंड जीन होगा वो होगा डोमिनेंट फॉर्म में, और लास्ट वाला 1 जो है उसमें दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो वो कोम शेप क्या देंगे? सिंगल। ठीक है, तो आप जब भी इसका डायहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे इसको आपको चेक करना होगा। ठीक है, मैं ये इतनी आसानी से इसलिए समझ पा रही हूँ, 9:3:3:1 मैंने आपको बस ऐसे ही बता दिया क्योंकि मैंने ये बहुत बार पढ़ा है और पढ़ाया है। आपको कैसे ये चीज रेक्टिफाई करनी होगी, आपको ये आपका जो क्रॉसिंग ओवर है वो बना के प्रैक्टिस करके इस चीज को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट तो थी ही आपसे कि आप प्लीज कोशिश करें कि आप ये जितने भी डेविएशंस हैं, मेंडल लॉस है, सब ही का क्रॉसेस जो है प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसमें आपको डायहाइब्रिड क्रॉस से ही ये वाला रेशियो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट देखते हैं कि द बिग डिफरेंस टू अ नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस इज द फैक्ट दैट द फीनोटाइप्स
आर फोर डिफरेंट नॉट वेरियस ऑफ द सेम टू ट्रेड्स। यहाँ पे आपको वेरिएशन, आपको चार प्रकार के ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस की वजह से, ठीक है। तो इस वाले टाइप के डेविएशन को हम क्या कहते हैं, इस वाले टाइप के डेविएशन को हम कहते हैं कोलैबोरेटर जीन, ठीक है। तो कोलैबोरेट करके अलग अलग फॉर्म्स में वो कोलैबोरेट करके, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, इसको याद रखने का ये तरीका है, मूवीज तो सबने देखी होंगी, सीरियल्स भी देखते होंगे। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, कोलैबोरेशन करती हैं अलग अलग रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, दो जीन्स जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं अलग अलग टाइप के ट्रेड्स को दिखाने के लिए, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई भी दिक्कत है आप लाइव चैट सेक्शन में अपने डाउट्स ड्रॉप इन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका डुप्लीकेटिंग जीन, ठीक है। तो डुप्लीकेटिंग जीन क्या होता है, डुप्लीकेट मतलब क्या, कॉपीज बेसिकली। तो इसमें क्या है, व्हेन डोमिनेंट एलील ऑफ बोथ जीन लोकाई प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप विदाउट क्यूम्युलेटिव इफेक्ट, इन दैट केस द रेशियो बिकम्स 15:1 ऑफ 9:3:3:1। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन अकर्स इन शेफर्ड्स पर्स प्लांट, ठीक है। इसको मैं अगर एक कॉमन एग्जाम्पल से समझाऊं तो ठीक है, क्योंकि उससे अगर समझाऊंगी तो मुझे लगता है आपको चीजें जो हैं काफी आराम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक प्लांट होता है, यहाँ पे भी दिया गया है, एक और प्लांट है आपका, दैट इज कैप्सेला बर्सा। ये तो आपके प्लांट का नाम, कैप्सेला बर्सा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दो जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है, ट्रायंगुलर, इसके लिए हम लेते हैं टी जीन, और दूसरा है आपका इलोंगेटेड, उसके लिए एक और जीन है यहाँ पे, दैट इज डी जीन, ठीक है। तो आपको कितने मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो जीन्स हैं, ये दोनों जीन्स में जितने भी एलील्स आप बनाएंगे, यहाँ पे भी आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस ही मिलेगा, दो जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों में से कोई भी जीन्स के एलील्स अगर डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तो वो फ्रूट शेप क्या देंगे, ट्रायंगुलर, और अगर सारे ही रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो वो क्या करेंगे, वो किस टाइप का शेप देंगे, वो देंगे इलोंगेटेड शेप, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, होता क्या था, इस रेशियो के बारे में आपको क्या बताया था, नाइन जो था उसमें दोनों ही डोमिनेंट थे, दोनों ही जीन्स के एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में थे, इस थ्री में फर्स्ट वाले जीन का एलील डोमिनेंट फॉर्म में था, इस वाले में सेकेंड वाले जीन का जो एलील था वो डोमिनेंट फॉर्म में था, और वन में सारे ही एलील्स रिसेसिव फॉर्म में थे। तो इन तीनों पार्ट्स में कोई ना कोई जीन तो डोमिनेंट फॉर्म में था ही, तो ये किस टाइप का फ्रूट शेप दिखाएगा आपको, ट्रायंगुलर, और ये वाला जो है ये किस टाइप का फ्रूट शेप दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको इलोंगेटेड। तो जब ये तीनों ही रेशियोज के जो पार्ट है अगर आपका ट्रायंगुलर फ्रूट शेप दिखाएंगे तो इन सभी को ऐड करके 15 बना दिया, और लास्ट वाला जो है वो रिसेसिव है, इसको वन एज इट इज हमने छोड़ दिया। तो इसीलिए ये वाली मॉडिफाइड रेशियो हमें यहाँ पे अचीव हुई या मिली, 15:1, ठीक है। तो डुप्लीकेट जीन आप समझ ही सकते हैं, कॉपीज बिल्कुल, तो दोनों ही जीन जो है डोमिनेंट फॉर्म में बिल्कुल सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेम नेचर शो कर रहे हैं, इसीलिए नाम क्या दिया गया है, डुप्लीकेट जीन। इसके लिए भी आपको क्या करना है, इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसमें आप ये चीज तो समझ ही सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आप अभी क्या करेंगे, क्लास ओवर होने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप अपने वीडियो पोस्ट होगी उसके कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स ड्रॉप इन करेंगे, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको देख के फिर आपको सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले डाउट सॉल्व करूँ, ठीक है।
कीप दिस इन माइंड, जेनेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वेटेज है इसका नीट एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो आई होप आप सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी को अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो किसी को कहीं पे भी, फील फ्री टू आस्क। चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, एपिस्टेसिस, ठीक है। व्हाट इज एपिस्टेसिस? तो एपिस्टेसिस में ये होता है कि ये एक जीन जो होता है वो दूसरे जीन के नेचर को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जीन इंटरैक्शंस अकर व्हेन टू और मोर डिफरेंट जीन्स इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ अ सिंगल ट्रेट। दो जीन्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं कि दो जीन्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो गाइड करते हैं एक सिंगल ट्रेट के आउटकम को, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट सच एज हाइट, वेट, कलर आर अफेक्टेड बाय मल्टीपल जीन्स। अब देखिए लोगों का हाइट, वेट और बॉडी कलर, ये मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये जो तीनों ट्रेट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं, ये तीनों ही अफेक्ट किए जाते हैं मल्टीपल जीन से। दो जीन से इनका कोई बस अफेक्ट नहीं होता, मल्टीपल जीन्स इनके ट्रेट को, नेचर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एपिस्टेसिस क्या बताता है? एपिस्टेसिस डिस्क्राइब सिचुएशन बिटवीन वेरियस एलील्स ऑफ टू जीन्स। एपिस्टेसिस जो है, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे यही डिस्कस करते हैं कि एपिस्टेसिस के अंदर दो जो जीन्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके बीच के इंटरैक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटेटिव लोकाई, लोकाई क्या था? लोकेशन जहाँ पे एक जीन जो है या एलील जो है क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव लोकाई इज अ टर्म टू डिस्क्राइब दोज लोकाई कंट्रोलिंग क्वांटिटेटिवली मेजरेबल ट्रेट्स, ठीक है। उसके बाद प्लियोट्रॉपी डिस्क्राइब सिचुएशंस वेयर वन जीन अफेक्ट्स मल्टीपल ट्रेट्स। प्लियोट्रॉपी मुझे लगता है शायद हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि ये वाले सिचुएशन में एक जीन जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को या ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो एपिस्टेसिस में क्या हो रहा है? एपिस्टेसिस का अगर मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताऊं स्पेसिफिकली, वन जीन सप्रेसेस द फंक्शन ऑफ अदर। एक जीन जो है वो दूसरे जीन के फंक्शन को दबा देता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास एक डेफिनेशन है, एन इंटरैक्शन बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ टू गिवन जीन्स इन विच वन ऑफ द जीन्स मॉडिफाई द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अदर। एक जीन जो है वो दूसरे जीन के नेचर को, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है, इवन सप्रेस भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन किया गया है एपिस्टेसिस का, ठीक है। ये भी काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है, दैट इज कोट कलर इन माइस, ठीक है। यहाँ पे भी एक डायहाइब्रिड क्रॉस हमने लिया है चीजों को समझने के लिए। आई होप इट इज विजिबल टू यू, किसी को कोई दिक्कत ना आ रही हो देखने में। तो इफ वी सी ऑन दिस, हम अगर देखें इसको यहां से, तो देखिए यहाँ पे दो पेरेंट्स हमने लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हेटरोटाइप, हेटरोजिनस मेकअप है आपके एलील्स का। यहाँ पे दो जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है, दो एलील्स का इन्वॉल्वमेंट है, ए एंड सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी, क्रॉस्ड विथ सेम, ठीक है। अब
कितने इनसे प्रकार के जीन्स बनेंगे, यहाँ से इस वाले पेरेंट से भी चार प्रकार के, इस वाले पेरेंट से भी चार प्रकार के, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो आपको याद होगा ही होगा, ठीक है। कैपिटल ए कैपिटल सी के साथ भी पेयर करेगा, कैपिटल ए स्मॉल सी के साथ भी पेयर करेगा, स्मॉल ए कैपिटल सी के साथ भी पेयर करेगा और स्मॉल ए स्मॉल सी के साथ भी पेयर करेगा, ठीक है। तो इसकी मदद से हमें इस तरफ भी मिल गए चार जेनेटिक मेकअप ऑफ एलील्स और इधर भी चार जेनेटिक मेकअप ऑफ एलील्स। दोनों ही तरफ बॉक्स के जिस प्रकार के एलील्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि जेनेटिक मेकअप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जिस वाले में भी कैपिटल ए डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो कोट कलर माइस का क्या मिलेगा, ब्राउन मिलेगा, डोमिनेंट है ये। स्मॉल ए होगा तो आपको ब्लैक मिलेगा जिसमें कि रिसेसिव है। कैपिटल सी होगा तो इसमें भी पिगमेंट होगा जो कि डोमिनेंट होगा, और स्मॉल सी में तो नो पिगमेंट रिसेसिव। आप देख सकते हैं कि कैपिटल ए जो है वो एपिस्टैटिक जीन है, वो सी वाले जीन के नेचर को सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले में तो आपका कैपिटल ए है, तो बट ऑब्वियसली जहां पे कैपिटल ए होगा वो तो आपके सी का नेचर ही सप्रेस हो जाएगा। तो इसमें से 9 माइस अगर आप ध्यान से इस क्रॉसिंग ओवर को देखेंगे तो 9 माइस आपको यहाँ पे ब्राउन कलर्ड मिलेंगे, 3 ब्लैक मिलेंगे, जहाँ पे ए जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक है। जहां पे भी आपको कैपिटल ए दिख जाएगा वहां पे जो आपके माइस का कोट कलर आउटर कवरिंग का जो कलर होगा दैट विल बी ब्राउन, और जहां पे भी ए जो है वो रिसेसिव फॉर्म में होगा तो माइस का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। सी में तो जो पिगमेंट है, बट ऑब्वियसली कोई पिगमेंट यहाँ पे स्पेसिफिक पिगमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे अगर सी डोमिनेंट है तो पिगमेंट मिलेगा और यहाँ पे सी अगर स्मॉल है तो नो पिगमेंट। अगर कोई पिगमेंट नहीं बना तो फिर माइस का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। माइस को हम अल्बाइनो भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो प्यूनेट स्क्वायर है आपका, इसको हम प्यूनेट स्क्वायर कहते हैं। तो प्यूनेट स्क्वायर कोशिश करेंगे कि इसको प्रैक्टिस करें, चीजों को समझें, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर विथ द एपिस्टेसिस। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। सप्लीमेंट्री जीन का क्या मतलब, अगर आपको पता हो तो, सप्लीमेंट्री अगर वर्ड को हम बस समझें, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री अगर हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं मतलब क्या, वो साइड से सपोर्ट करता है, सप्लीमेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक जीन जो होता है, वन जीन एक्सप्रेसेस, एक जीन जो है अपने नेचर को एक्सप्रेस करता है, अदर जीन जो है उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं, तो बस सपोर्ट के लिए होता है, विदाउट एनी एक्सप्रेशन उसके बाद। फिर दोनों ही जब होंगे तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको वो सपोर्ट ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं और समझाऊं, इन सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन द डोमिनेंट एलील ऑफ द टू जीन गवर्निंग अ कैरेक्टर प्रोड्यूसेस फेनोटाइपिक इफेक्ट। जो पहला वाला है जीन वही डोमिनेंट फॉर्म में जो फिजिकल नेचर देखने को मिल रहा है वो उसकी वजह से ही इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। उसके बाद हाउएवर डोमिनेंट एलील ऑफ द अदर जीन डज नॉट प्रोड्यूस अ फेनोटाइपिक इफेक्ट ऑन इट्स ओन। अदर जीन का तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो जब वो होगा डोमिनेंट फॉर्म में, ये पॉइंट्स की मदद से आप आपका रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बट वेन इट इज प्रेजेंट विद डोमिनेंट एलील ऑफ द फर्स्ट जीन इट मॉडिफाइज द फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई दैट जीन। अगर
आपका जो सेकेंड वाला जीन है जिसका कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था, अगर वो डोमिनेंट एलील के साथ फर्स्ट जीन के साथ होगा तो वो फर्स्ट सप्लीमेंट्री सपोर्ट देता है, तो वो फर्स्ट जीन के भी कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करके चेंज कर देगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसका कॉमन एग्जाम्पल है डेवलपमेंट ऑफ अगाउटी ग्रे कोट कलर इन माइस। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे भी कोट कलर मतलब क्या, बॉडी का जो एक्सटर्नल लेयर है वो आपका, ये एग्जाम्पल है किसका, सप्लीमेंट्री जीन का। तो 9:3:4 जो रेशियो है उसमें कौन सा कौन है ये देखते हैं। अगाउटी 9 है, ब्लैक 3 है और अल्बाइनो जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, दैट इज 3+1 4। ठीक है, तो ये जो रेशियो यहाँ हमें मिला है जब आप इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस किसकी माध्यम से बनाएंगे मैं वो भी बता देती हूँ आपको। यहाँ जो दो जीन्स इन्वॉल्व हैं, BBAA क्रॉस्ड विथ, ठीक है, तो इससे बी एंड ए ऐसे चार जीन्स एक तरफ मिलेंगे और इस तरफ भी ऐसे चार जीन्स मिलेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट जेनरेशन में आपको ऐसे एलील्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जेनरेशन में जो आपको ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे उनके बीच में ही आप क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो आपके सेकेंड जेनरेशन में आपको जो रेशियो देखने को मिलेगा दैट विल बी योर 9:3:4। 9 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। आई होप जब आप क्रॉस बनाएंगे तो ये आपको काफी हेल्प करेगा चीजों में। ठीक है, सो 9:3:4। ठीक है, सो किसी को कोई भी दिक्कत है काइंडली आस्क, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पूछिए, आई एम वेरी हैप्पी एंड रेडी टू हेल्प। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछिए। इसके बाद कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे वापस चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, तो फीमेल एंड मेल हेट्रोगैमिटी ये क्या होता है। ये बेसिकली जो है आपका पार्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन का। ठीक है, इसको मैं यहां मेंशन कर देती हूँ, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो नॉर्मली हम ह्यूमंस में, ठीक है, हम ह्यूमंस में हेट्रोगैमिटी का क्या मतलब होता है। हेट्रोगैमिटी मतलब दो अलग प्रकार के गैमेट्स। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मेकअप होता है वो मेल्स का अलग अलग होता है, अलग अलग दो नॉर्मली हम ह्यूमंस में। ये एक एग्जाम्पल है, प्लीज इसको ध्यान से समझिए। मेल्स का एक्स एंड वाई, फीमेल्स का एक्स एंड एक्स। फीमेल के पास तो दो एक्सेस ही होते हैं, मतलब क्या, दोनों के पास सेम गैमेट्स होते हैं और दोनों उसी के माध्यम से ऑफस्प्रिंग्स बनाती हैं। फिर एक्स एंड वाई, जब हम अगर मेल्स की बात करें तो एक्स एंड वाई मतलब क्या, दो अलग प्रकार के गैमेट्स हैं मेल में। ठीक है, तो यहाँ पे मेल जो है वो हेट्रोगैमिटी शो कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हमने मेंशन किए हैं हेट्रोगैमेटिक मेल कहाँ कहाँ किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हेट्रोगैमेटिक मेल है मतलब क्या, दो अलग प्रकार के गैमेट्स किस में देखे जा रहे हैं, मेल्स में देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो समझिए ये वाला जो कॉम्बिनेशन है एक्स एक्स एंड एक्स ओ, ये वाला किसके अंडर आ रहा है, हेट्रोगैमेटिक मेल्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो
दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स किसमें दिख रहे हैं? इसमें दिख रहे हैं, तो ये वाला कौन सा होगा? मेल होगा। ये वाली कौन सी होगी? फीमेल। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोजोम वर्ड आपको जहां भी मिलेगा, मतलब हम एक्स क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्सएक्स एक्सो टाइप का जेनेटिक मेकअप की हमने जहां पे बात की है, यहाँ पे फीमेल्स के पास दो एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है, और मेल्स के पास एक सिंगल सेक्स क्रोमोजोम है, 1X क्रोमोजोम, ठीक है। इस टाइप का मेल हेट्रोगैमेटी किसमें देखा जाता है? प्लांट्स लाइक वेलिसनेरिया, स्पाइरालिस, बग्स एंड ग्रास हॉपर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। अगला जो मेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल, दैट इज XXXY, ये तो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, इतना तो सभी को याद होगा। तो मेल हेट्रोगैमेटी के अंदर ये ले रहे हैं हम, हेट्रोगैमेटी मतलब क्या? गैमेट्स अलग अलग, तो इन दोनों में क्या आप समझ सकते हैं किसमें आपको अलग अलग दिख रहा है? XX में या XY में? बट ऑब्वियसली XY, ठीक है। तो XY ये जो है ये मेल रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला जो है ये आपकी फीमेल रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2X। मेल के अंदर क्रोमोसोमल जेनेटिक मेकअप क्या है? एक्स एंड वाई। इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका किसमें देखा जाता है? मैन में, अदर मैमल्स में, ड्रोसोफिला में और सर्टन एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। उसके बाद कुछ हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती हैं, ठीक है, जहां पे जो दो एलील्स हैं या दो आपका जेनेटिक मेकअप है, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं, अलग अलग प्रकार के किसमें देखे जाएंगे? फीमेल। हेट्रोगैमेटिक टर्म जिसके साथ लगा होगा उसमें ही देखा जाएगा, ठीक है। तो जेड नॉट और जेड ओ का मतलब, जीरो का मतलब क्या? वो वाला जो गैमेट है उसके अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं पाया, क्रोमोसोम के अंदर कोई गैमेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड नॉट एंड जेड जेड गैमेटिक हेट्रोगैमेटिक यहाँ पे कौन है? फीमेल है, तो यहाँ पे फीमेल कौन होगी? ये वाली, ये क्या होगा? मेल। तो फीमेल के अंदर एक जेड है, मेल के पास दो जेड है, ठीक है। इस टाइप का जेनेटिक मेकअप किसमें देखा जाता है? मॉथ में और बटरफ्लाई में, ठीक है। अगला है ZW एंड ZZ, ये वाला टाइप में भी मेल फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, तो दो अलग अलग प्रकार के जो गैमेट्स दिख रहे हैं इस वाले में दिख रहा है, तो ये हुआ आपका फीमेल, ये हुआ आपका मेल। एक कॉमन एग्जाम्पल से समझा देती हूँ ताकि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं सारे आप उसका एक स्क्वायर बना सको, ठीक है। मैं आपको बार बार क्या कह रही हूँ, जब तक स्क्वायर्स नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी। ये वाला देखते हैं, जेड नॉट एंड जेड जेड। यहाँ पे जेड, यहाँ पे नॉट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जेड एंड जेड। तो यहाँ पे क्या बनेगा कैरेक्टर? जेड एंड जेड, जेड एंड नॉट, जेड एंड जेड एंड जेड एंड नॉट, ठीक है। तो ये जेड जेड क्या था? ये मेल था। जेड नॉट क्या थी? फीमेल थी। ये भी मेल था और ये भी आपकी फीमेल थी। तो फीमेल इज टू मेल रेशियो क्या होगा यहाँ पे? 2:2। इसको सिंप्लीफाई करके आप 1:1 भी लिख सकते हैं। एक आपको मैंने यहाँ पे बना के बताया, तो क्या आप सभी और सभी के भी जो चार है यहाँ पे, एक का तो मैंने आपको यहाँ बना के बता दिया, बाकी सारे क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो प्लीज लाइव कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में ड्रॉप इन करें कि आपसे नहीं हो रहा, तो मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ड्रोसोफिला अब हम देखेंगे, ठीक है। तो ड्रोसोफिला जो है इसको एक और नाम दिया जाता है, ड्रोसोफिला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत ही हॉट फील्ड है जेनेटिक्स के अंदर, जेनेटिक्स के रिसर्च के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसीलिए
ड्रोसोफिला का नाम आपको आपके 12th के सिलेबस में काफी जगह मिलेगा। अगर आप अच्छे से नीट के लिए एनसीईआरटी को रीड करोगे तो ड्रोसोफिला काफी जगह दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है ड्रोसोफिला के अंदर, तो फ्रूट फ्लाई क्यों कहते हैं, फ्रूट के पल्प पे ग्रो करते हैं, बट ऑब्वियसली इसीलिए फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे X:A रेशियो पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। एक्स क्या है, दैट इज द सेक्स क्रोमोजोम। ए क्या है, ये ऑटोजोम्स का नंबर बता रहा है। ठीक है, तो अगर सेक्स क्रोमोजोम इज टू ऑटोजोम का रेशियो 1 आया तो ये क्या बना देगा, ये फीमेल फ्लाई बना देगा। ठीक है, और अगर X:A रेशियो है वो 0.5 है तो ये मेल बनाएगा। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, रेशियोज के ऊपर आप रेशियो निकालेंगे तो उसके ऊपर बेस्ड आप ये चीज जान सकते हैं कि फीमेल होगी या मेल होगा। ठीक है, उसके बाद सम अदर पॉइंट्स, अगर X:A रेशियो जो है वो 0.5 से कम होगा, ठीक है, तो अ मेल फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड बट द फ्लाई इज वीक एंड स्टेराइल। ठीक है, तो 0.5 था तो वो मेल हो रहा था। ठीक है, अगर 0.5 से कम हो गया, ठीक है, तो मेल फिनोटाइप तो होगा ही, लेकिन जो मेल प्रोड्यूस होगा वो वीक होगा और स्टेराइल होगा। मतलब क्या, वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकता। इस टाइप के मेल्स को आप क्या कहेंगे, इस टाइप के मेल को आप कहेंगे मेटामेल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर X:A रेशियो जो है वो 1 या 1 या 0.5 के बीच में, ठीक है, तो ये फीमेल वाला रेशियो है और ये मेल वाला रेशियो है। ठीक है, तो अगर इसके बीच में हुआ तो ये इंटरसेक्स फ्लाई हुआ। ठीक है, इन दोनों के बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा। इन फ्लाइज को आप कभी कभी गाइनेंड्रोमॉर्फ्स भी कहते हैं। मार्क माई पॉइंट, इसको अच्छे से याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोनों के ही कैरेक्टर्स आपको देखने को इस फ्लाई में मिलेंगे। उसके बाद X:A रेशियो जो है अगर वो ज्यादा है 1 से, तो फीमेल फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये जो फ्लाइज हैं इनको हम मेटा फीमेल्स कहेंगे। इनके अंदर सीरियस डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, और आप देखते होंगे जो स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो इन फ्लाइज के अंदर जिनका रेशियो जो है वो 1 से ज्यादा होगा तो वो प्यूपल केस से बाहर इमर्ज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इसको अच्छे से, ये आपका एक लॉन्ग नोट क्वेश्चन भी हो सकता है और नीट के लिए तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, ठीक है, तो म्यूटेशन जो है, कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे मैं लिख दूं ताकि एक आपके पास डेफिनेशन हो एग्जैक्ट व्हाट इज म्यूटेशन। ठीक है, इट इज सडन जेनेटिक ड्रिफ्ट इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर सडनली उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाए तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, अनन्या पाटिल, हेलो हेलो, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज पूछिए। सो आप ड्रॉप इन कीजिए, मैं कंटिन्यू करती हूँ चीजों को, अगर कोई दिक्कत है पूछ लीजिए। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं आपके म्यूटेशन के। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम जेनेटिक कोड्स के बारे में बात करेंगे। तो जेनेटिक कोड्स जो है हम ट्रिपलेट्स में हमेशा रीड करते हैं। ठीक है, इसको देखिए और अच्छे से समझिए। यहाँ पे TAC एक कोड होगा, GCT एक कोड होगा और फिर GAC एक कोड होगा। तीन बेसिस को साथ में कलेक्टिवली लेके एक जेनेटिक कोड बनता है।
ठीक है। तो ओरिजिनल जो जेनेटिक मेकअप है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ जो एग्जांपल दिया गया है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द जीन सीक्वेंस विथ TAC, ठीक है, TAC जो यहाँ पे है वो है आपका करेक्ट ट्रिपलेट कोड, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अगर म्यूटेशन हुआ तो, ठीक है, म्यूटेशन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मतलब एक जो नाइट्रोजनस बेस है उसकी जगह दूसरी दूसरा नाइट्रोजनस बेस ले लेगा। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्स्ट बेस वेयर टी हैज बिकम ए एंड देयरफॉर द फर्स्ट ट्रिपलेट इज इनकरेक्टली AAC इंस्टेड ऑफ TAC चेंजेस द कोड ऑफ द सिंगल ट्रिपलेट। होता क्या है, हम कोड, जेनेटिक कोड जो होता है वो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, ठीक है। अगर एक भी नाइट्रोजनस बेस जो है वहां से चेंज हो जाएगा तो अलग ही प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, म्यूटेशन होगा, ठीक है। तो पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ट्री टी जो है उसको यहाँ पे बीच में, TAC था आपका पहले तो ये रहा पहला टी, दूसरा ए एंड सी, इन तीनों के बीच में एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस बेस डाल दिया गया है, इंसर्ट कर दिया गया है, इसको भी इंसर्शन कहते हैं। अब पहले जैसे हम जेनेटिक कोड को रीड कर रहे थे, अब एक नया जेनेटिक कोड आगे आ जाएगा, दैट इज TTA और दूसरा है CGC, तो जो प्रोटीन्स कोड होते हैं बिल्कुल अलग ही कोड होंगे, ठीक है। तो वो हुआ इंसर्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा टी विद इन द जेनेटिक सीक्वेंस वेयर द ओरिजिनल TAC ट्रिपलेट हैज इनकरेक्टली बिकम TTA चेंजेस द जेनेटिक कोड ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स फॉलोइंग द म्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद डिलीशन क्या होता है, कोई नाइट्रोजनस बेस बीच से डिलीट हो जाएगा, बट ऑब्वियसली डिलीशन ऑफ द फर्स्ट टी इन द जेनेटिक सीक्वेंस वेयर द ओरिजिनल TAC हैज इनकरेक्टली बीन चेंज टू ACG चेंजेस द जेनेटिक कोड ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स फॉलोइंग द म्यूटेशन। क्या होता है, अगर एक भी नाइट्रोजनस बेस बीच से चेंज हो जाएगा तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस बेस तीन कोड के फॉर्म में हम रीड करते हैं तो क्या हो जाता है कि एक नया प्रोटीन वहां पे फॉर्म हो जाएगा और जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाएगा, आपका जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो आपका म्यूटेशन जो होता है दो टाइप का होता है मेनली, एक मॉर्फोलॉजिकल एक न्यूमेरिक। ये आपका मॉर्फोलॉजिकल था जहाँ पे चीजों की बनावट में चेंज आई थी। अब अगला आएगा आपका न्यूमेरिक जहाँ पे अलग अलग सेट ऑफ क्रोमोजोम्स या नाइट्रोजनस बेस या कोड्स जो हैं वो ऐड होंगे या तो डिलीट होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक म्यूटेशन। न्यूमेरिक म्यूटेशन जो है वो दो प्रकार का है, पहला है एन्यूप्लॉयडी और दूसरा है पॉलीप्लॉयडी, ठीक है। तो क्या होता है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिविजन साइकिल रिजल्टिंग इन गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोजोम। अब इसको ऐसे समझिए, बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं चीजों को जानने का। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोजोम का सेट हुआ, ठीक है। तो क्या होता है कि इस वाले में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सेग्रीगेट मतलब बंटना, ये एक ऑफस्प्रिंग में जाएगा, ये दूसरा ऑफस्प्रिंग में जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि या तो एक जो है वो अलग नहीं हो पाया तो क्या होगा, मान लीजिए ये एक में गया दूसरे में, दूसरा वाला गया ही नहीं, दोनों एक साथ ही एक में चले गए, दूसरा वाला जो है वो तो एम्प्टी रह गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इस वाले के लिए अगर आप लेंगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा चला है और इस वाले में क्या हुआ, एक कम चला है, ठीक है। तो सेल डिविजन के दौरान क्या होता है कि जो ये बंटना था सेग्रीगेशन वो नहीं हो पाता सही से, जिसकी वजह से गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम का गेन या लॉस जो है वो सही से नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं, कैन बी 2N-1,
दूसरा 2n+1, अगला है 2n+2, फिर है इन सभी की वजह से जो आपको डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम वही स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इसको देख के समझिए। इनकी वजह से जो डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं एन्यूप्लॉयडी की वजह से, दैट इज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगला जो है आपका दैट इज पॉलीप्लॉयडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या था, साइटोप्लाज्म का डिविजन। ठीक है, तो होता क्या है कि साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड नहीं हो पाता सही से, तो फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज, सेल साइकिल, सेल डिविजन। प्लीज उसमें आप कोरिलेट करिए चीजों को, ताकि टीलोफेज क्या है, साइटोकाइनेसिस कब होता है, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। ऑफ सेल डिविजन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोजोम। साइटोकाइनेसिस ही नहीं हो पाया तो प्रॉपर क्रोमोजोम का जो डिवीजन ही नहीं हो पाएगा, तो कंप्लीट सेट ही जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक होमोलोगस में से एक अलग नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, कंप्लीट सेट ही का इन्वॉल्वमेंट है। तो कैन बी 3n 4n 5n एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टाइप का जो म्यूटेशन है दैट इज पॉलीप्लॉयडी, रेयरली सीन इन ह्यूमंस, सीन इन ह्यूमन मसल टिश्यू समटाइम्स, कभी कभी ह्यूमन मसल टिश्यू में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम एन्यूप्लॉयडी की बात करें तो यहाँ पे होता है ±1 और ±2। ठीक है, अगर प्लस हुआ तो अलग नेचर, अगर या फिर माइनस हुआ तो अलग नेचर। अगर -1 हुआ उसको हम मोनोसोमी कहेंगे, -2 हुआ दोनों ही क्रोमोसोम्स नहीं जा पाए तो उसको हम नलीसोमी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप 2 की बात करें, ठीक है, तो अगर 2 वाला इन्वॉल्वमेंट अगर आप देखें, तो अगर 2 में अगर +1 हो गया तो दैट इज ट्राइसोमी, और फिर अगर 2 आ गया तो दैट इज टेट्रासोमी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर रही होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट और जीन म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, पॉइंट और जीन म्यूटेशन क्या होता है, अगर हम देखें इसको समझें अच्छे से, तो अगर पॉइंट और जीन म्यूटेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं मेंशन कर देती हूं चीजें, पॉइंट म्यूटेशन 3 प्रकार का होता है ये मेनली। पहला तो पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट में चेंज जाएगा, दूसरा है आपका इन्वर्शन, अगला है फ्रेम शिफ्ट। पॉइंट में क्या होगा कि एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस जो है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसकी वजह से बीच में एक अलग प्रकार का प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है इन्वर्शन। क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एक जेनेटिक कोड है GAG, तो इन्वर्शन ये हो जाएगा, फिर इसको अगर आप कंप्लीट चेंज कर दें तो GGA, तो इस वाले कोड से अलग प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था, इस वाले से अलग का हो रहा था। ठीक है, तो इससे कंप्लीटली जो आपका जेनेटिक मेकअप है उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अगर आपको पता हो तो एक फोटोग्राफर को इमेजिन करिए। ठीक है, एक फोटोग्राफर अपने फ्रेम को शिफ्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी अगर फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा तो इस तरफ के जो लोग फोटो में आ रहे थे वो पूरे के पूरे बाहर की तरफ निकल जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए एक जेनेटिक कोड है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो एक जेनेटिक कोड के बीच में अगर बीच में एक नया नाइट्रोजनस बेस हमने डाल दिया, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो जेनेटिक कोड्स हैं वो तो ट्रिपलेट्स में रीड किए जाते हैं, तो आप ये चीज तो समझ सकते होंगे कि अगर यहाँ पे एक भी कोड डिलीट हो गया या इंसर्ट हो गया तो हमारा जेनेटिक कोड को पढ़ने का सीक्वेंस ही बदल जाएगा,
फ्रेम ही शिफ्ट हो जाएगा, और अगर एक ऐड हुआ तो आगे के सारे जो कोड्स हैं, ट्रिपलेट्स जो हैं, वो अलग-अलग बनते जाएंगे, ठीक है? तो ये हुआ आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अब हम चलेंगे डिसऑर्डर्स के ऊपर, ठीक है, और जानेंगे कि हाँ डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। पहला जो हमारा डिसऑर्डर है, दैट इज सिकल सेल अनीमिया, ठीक है? तो इसको डिस्कवर करने वाले क्या हुआ, ये तो यहाँ लिखा है हमने, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। 1910 में जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया था, दैट वाज हेरिक, ठीक है? इसमें होता क्या है, इसमें जो रेड ब्लड सेल है आपका, वो हो जाता है सिकल शेप्ड, ठीक है? सिकल शेप्ड क्या होता है, क्रेसेंट शेप देखा है, ऐसा हो जाता है। नॉर्मली आरबीसीज कैसे होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं, वो ऐसे से, जस्ट अ मिनट इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, वो डम्बल शेप से कैसे हो जाते हैं, क्रेसेंट शेप हो जाते हैं, ठीक है? सिकल शेप हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है वो तो बात करेंगे ही। तो ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब क्या, जो फॉल्ट है, जो डिफेक्ट है, वो किस पे देखने को मिलेगा, ऑटोसोम पे देखने को मिलेगा और रिसेसिव एलील पे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो होता क्या है जिस वजह से ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, जो हेमोग्लोबिन के अल्फा और बीटा चेन्स होते हैं, तो जो बीटा चेन होता है उसमें स्पेसिफिकली ये वाला जो नॉर्मल है आपका बीटा चेन, उसमें आपका सीक्वेंस बताया गया है, ठीक है? प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे जो सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज हो जाता है इनटू वेलाइन, ठीक है? अब इस वजह से क्या होगा कि सिकल सेल हेमोग्लोबिन फॉर्म्स लॉन्ग इनफ्लेक्सिबल चेन्स। इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या देखने को मिला कि जो सिकल सेल हेमोग्लोबिन बना वो लॉन्ग इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है चेन्स की, तो यहाँ पे वही मेंशन किया गया है, इनफ्लेक्सिबल चेन्स देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल ऐसा है आपका और वो सिकल शेप्ड हो जाएगा, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो घट जाती है। ऐसा हुआ क्यों, इसको देखिए यहाँ पे भी CTC ये जेनेटिक कोड था, यहाँ पे T जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है CAC से, ठीक है? तो CTC जो है, अगर इसको आप सेंट्रल डॉग्मा याद करिए, ये आपका जेनेटिक कोड, पहले ये ट्रांसक्राइब करके आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से ट्रांसलेट करके प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारा कुछ आपने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में, एक बार दोबारा से वहां पे रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो CTC से क्या बनेगा, GAG, और GAG क्या बनाता है, ग्लूटामिक एसिड। अब यहाँ पे पहले तो CTC था, अब CAC हो गया है, तो ये ट्रांसक्राइब करके क्या बनाएगा, GUG, और GUG क्या बना देगा, वेलाइन, ठीक है? तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है किससे, वेलाइन से, ठीक है? तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है? अगर मैं इसका आपको एक कॉमन, जस्ट अ मिनट, ताकि आप इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो समझ लें, तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर रहें। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे तीन टाइप का जेनेटिक मेकअप आपको देखने को मिल सकता है, HbA, HbA, ये तो नॉर्मल इंडिविजुअल है,
दूसरा एच बी ए, अगला एच बी एस, रिसेसिव जीन अफेक्टेड है यहाँ पे, तीसरा एच बी एस और फिर एच बी एस। ये वाला जो इंडिविजुअल है ये तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये वाला तो आप यहाँ से ओमिट ही कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको याद हो, हम नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ कुछ और सिंबल्स बताऊंगी, लेकिन अगर हम क्रॉस बनाए, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल मेल और एक डिजीज फीमेल को क्रॉस करा के, डिजीज फीमेल या मेल होगा तो उसको ऐसे शेड करेंगे, ये है आपका मेल, तो ये नॉर्मल है तो इसका कैसा बनावट होगा जेनेटिक मेकअप का, एच बी ए एच बी ए, और डिजीज फीमेल है तो ये हो गया एच बी ए एच बी एस, ठीक है। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए इनके तीन बच्चे हुए, अगर इनका हम जेनेटिक मेकअप बनाएं, पहला जो है सन, दूसरा जो है आपकी फीमेल, तीसरी जो है आपकी फीमेल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा जो है वो डिजीज होगा या नहीं होगा? तो फॉर एग्जाम्पल फादर से आया एच बी ए, मदर से आया एच बी एस, ठीक है, तो ये जो है ये नॉर्मल होगा, सॉरी एच बी एस, तो ये वाला जो है, अगर पहला वाला ए आया तो दिस विल बी नॉर्मल, अगर फादर से एच बी ए आया और मदर से दूसरा वाला एच बी एस, तो ये हो जाएगा डिजीज्ड, ठीक है। फीमेल में अगर हम बात करें तो फादर से आएगा एच बी ए, माँ से आया एच बी ए। सिमिलरली अब तो आप समझ गए होंगे कि जेनेटिक मेकअप और क्राइटेरिया, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है, ठीक है, कैसे नेचर को अफेक्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका टाइप ऑफ डिसऑर्डर, दैट इज हेमोफीलिया, ठीक है। तो हेमोफीलिया की अगर हम बात करें तो जो मेल है और जो फीमेल है, ठीक है, तो हेमोफीलिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डेफिनेशन, इट इज अ रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ड्यू टू इनहेरिटेड डेफिशिएंसी इन कोएगुलेशन ऑफ फैक्टर्स। होता क्या है कि लगातार जो इंसान है जिसको हेमोफीलिया है वो ब्लीड करता रहता है, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, पहला है हेमोफीलिया ए, दूसरा हेमोफीलिया बी। हेमोफीलिया ए जो है दैट इज क्लासिक वन, इसमें होता क्या है स्पेसिफिकली जिसकी वजह से इंसान ब्लीड करता है, इसमें फैक्टर एट की डेफिशिएंसी होती है। और हेमोफीलिया बी में किसकी, इसको हम क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, क्रिसमस डिजीज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर नाइन की डेफिशिएंसी होती है। एक और नाम देते हैं वॉन विलब्रांड्स डिजीज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर विथ लो लेवल्स ऑफ फैक्टर एट बट ऑल्सो एन अबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लेटलेट अडहेसिवनेस। इंसान जो है वो लगातार ब्लीड करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉजेज ऑफ हेमोफीलिया, कैसे कैसा जेनेटिक मेकअप होगा अगर उसकी बात करें, तो फादर जो है यहाँ पे वो हेमोफिलिक नहीं है, फादर विदाउट हेमोफीलिया, और मदर जो है वो कैरियर, ठीक है, कैरियर जो माँ होगी वो उसका कैरेक्टर शो नहीं करेगी, वो उसको अपने बच्चों में पास करेगी, ठीक है। तो देखिए, फादर विदाउट हेमोफीलिया तो नॉर्मल आपको एलील्स देखने को मिलेंगे एक्स एंड वाई, मदर जो है उसमें एक एलील जो है वो अफेक्टेड होगा, एक नॉर्मल होगा, वो बस कैरियर का काम करेगी, ठीक है। चार बच्चे हुए, क्विनेट स्क्वायर बनाते हैं तो चार बच्चे ही मिलते हैं ना, तो फादर ने सन को दिया नॉर्मल वाई बट ऑब्वियसली एक्स एंड वाई, मदर ने उसको दिया नॉर्मल एक्स। अगर आप बेटी का देखें तो माँ के पास जो फॉल्टी एक्स था उसने वो दिया और फादर ने नॉर्मल एक्स दिया, ठीक है। तो जो बेटी है ये वाली वो भी कैरियर हो गई, ठीक है। फिर जो बेटा है उसको माँ ने दे दिया डिफेक्टिव एक्स जिसपे की डिसऑर्डर है, और फादर ने तो नॉर्मल, फादर तो नॉर्मल वाई ही देगा। तो सन जो है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे फीमेल कैरियर है वहां पे जो मेल है वो कैरियर नहीं हो सकता,
क्यों नहीं कैरियर हो सकता? क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक ही सेक्स लिंक क्रोमोसोम, तो वो एक ही एक्स जो प्रॉपर्टी शो करेगा उस पर वही दिखेगा। तो सन जो है वही फीमेल जो उस पर वो डिफेक्ट वाला एक्स गया था तो वो कैरियर बनी, लेकिन जो सन है उसके अंदर वो डिफेक्टिव एक्स आया तो वो डिजीज्ड हो गया। डिजीज्ड और डिसीज्ड में अंतर होता है। डिसीज्ड मतलब डेड, डिजीज मतलब जिसको बीमारी है। फिर जो चौथी बेटी यहाँ दिख रही है, हम प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ। फादर ने उसे भी नॉर्मल एक्स दिया, मदर ने भी उसे नॉर्मल एक्स दिया, तो जो बेटी है वो नॉर्मल है, उसे कोई इश्यू नहीं, ना वो कैरियर है ना वो डिजीज। सेकेंड जो क्राइटेरिया, फादर जो है उसको हेमोफीलिया है और मदर जो है वो कैरियर नहीं। तो फादर अगर डिजीज है तो मैंने आपको बताया कि उसके एक्स क्रोमोजोम पे आपका जो डिफेक्ट है वो देखने को मिलेगा, और मदर जो है नॉर्मल है। तो चार बच्चे हुए, दो बेटे दो बेटियां। तो फादर ने क्या किया, वो फादर जो अपने बेटे को वाई ही दे सकता है, ठीक है, तो वाई दिया उसने अपने बेटे को, और मदर के पास नॉर्मल एक्स है तो उसने एक्स ही दिया। जो डॉटर है उसके पास, फादर के पास जो एक एक्स है वही डिजीज है, सेक्स क्रोमोसोम से रेलेवेंट है डिसऑर्डर। तो बेटी में आया डिजीज एक्स और मदर ने दिया नॉर्मल एक्स, तो ये बेटी क्या हो जाएगी, एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है, एक एक कैरियर, तो यहाँ पे बेटी जो है वो कैरियर हो जाएगी। फिर जो बेटा है यहाँ पे, फादर उसे वाई ही देगा जो कि जिसमें कोई इशू नहीं है, और जो मदर है वो नॉर्मल एक्स देगी, तो बेटा जो है वो हेल्दी रहेगा। और सिमिलरली बेटी को फादर के पास देने के लिए एक्स ही है जो कि डिजीज्ड, तो बेटी जो है वो कैरियर हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास जो है वो क्लियर रही होगी, किसी को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत है, मैंने आपको बोला है कि आप अपने लाइव कमेंट सेक्शन में डाउट्स जो हैं वो ड्रॉप इन कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स कम प्लीज उसको ड्रॉप इन करिए। तो जस्ट अ मिनट, ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स काइंडली प्लीज पूछिए, और अगर आपके पास डाउट्स नहीं है तो आई विल बी एंडिंग दिस सेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।